तो आज पहला दिन मनीष जी बच्चों के साथ मुखातिब, आज ग्रैंड वेलकम हुआ इन बच्चों का, तो ये जो पहला दिन का अनुभव है, जाहिर है पहले जैसा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है पहले जैसा। जैसे अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था कि दोस्तों से मिल पाए, तो उनके मन में अभी भी पीड़ा तो यही है कि इतने सारे प्रोटोकॉल्स के बीच दोस्तों से मिलना नहीं हो पा रहा है। पर कम से कम वापस अपने इक्विपमेंट्स, अपने डायोड और प्रिज्म, ये सब लोग ये खोल पा रहे हैं, रजिस्टर ये सब खोल पा रहे हैं, थोड़ा ड्राइंग बोर्ड पे लैब में खड़े होकर हाथ लगा पा रहे हैं, तो अच्छी है। कई सारे राज्यों ने बहुत पहले स्कूल खोले थे, दिल्ली को बहुत देर से फैसला लेना पड़ा। दिल्ली में एक सेकंड वेव भी आई थी, इसलिए उसको होल्ड करके रखा था। और हमारे लिए ये, क्योंकि जिन राज्यों ने खोले एकदम, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, और एज ए पेरेंट मुझे भी डर लग रहा था कि यार मैं अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता हूँ, तो बाकी लोगों के बच्चों को कैसे स्कूल बुला लूँ। तो अभी तो 10वीं 12वीं के बच्चे आ रहे हैं, बाकी के जो छात्र हैं उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा? बाकी के लोगों को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इनके प्रैक्टिकल्स थे। अब ये जो प्रैक्टिकल यहाँ पे कर रहे हैं, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता है, और अचानक 1 मार्च को इनको हम बुला के इनके प्रैक्टिकल कराएं, तो वो तो जस्टिफाइड नहीं था इनके साथ। बाकी बच्चों के लिए कुछ इंतजार, कोई समय सीमा? कई अभिभावक सोच रहे होंगे कि उनके बच्चे भी वैक्सीन का कार्यक्रम अगर सक्सेसफुली आगे हो गया, तो मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि अगला सेशन बच्चे नॉर्मल के रूप में। आप में भी एक्साइटमेंट है, वो स्कूल खुले हैं बच्चे? मैं बहुत उत्साहित हूँ, इसीलिए मैं बच्चों से मिलने आ गया हूँ। तो ये थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, और इस बीच छात्रों की जो तैयारियां हैं वो भी जारी। आप लोग कितने उत्साहित हैं आज पहला दिन जो स्कूल खुला है? काफी अच्छा लग रहा है आज स्कूल आके, बहुत दिनों में स्कूल खुले हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ये तो नहीं मिल पाता होगा? नहीं, प्रैक्टिकल करने के लिए बेसिकली हम आए हैं।